अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डाइवर्स मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद है। आज हम बच्चों के खिलौनों की एक ऐसी दुकान पर आए हैं जहाँ पर इम्पोर्टेड और लोकल दोनों तरह के खिलौने जो है बच्चों के मिलते हैं और मुनासिब कीमत पे मिलते हैं। दुकान का नाम जो है सिंध स्पोर्ट्स एंड टॉयज़ है। यहाँ पर बच्चों के झूले, साइकिलें और मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ मौजूद हैं। उनके तफ़सीलात आपको इस वीडियो में आगे चल के बताएँगे। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जी है, ये बच्चों के टॉय हैं, एक साल से लेके तीन साल तक के बच्चों के लिए। इसे प्रेस करते हैं, चलना शुरू हो जाता है ये। इसके ये 300 से स्टार्ट हैं, क्वालिटी में डिफरेंट होते हैं तो क्वालिटी के हिसाब से हैं ये सारी चीज़ें। ये सेल टॉय है, इसमें सेल डालेंगे एक साल तक के बच्चों के लिए, डेढ़ साल दो साल तक के बच्चों के लिए। ये छोटे पैदा हुए बच्चों के लिए हमारे पास तीतर भी अवेलेबल है। तीतर क्या चीज़ होती है? ये दांत जो बच्चों के जो नए नए दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसको चबाने के लिए होता है, ये बच्चे चबाते हैं। बाकी हर रेंज में आपको मिल जाएंगे ये, जैसे कि ब्लॉक आइटम है। हर टॉय के ऊपर उस बच्चों की एज मेंशन होती है, तीन साल प्लस, थ्री प्लस के बच्चों, ये भी थ्री प्लस। ये डॉल सेट है, ये भी थ्री प्लस, हर उस पर मेंशन होता है। ये डॉल सेट कहाँ पे लोकल है? ये इम्पोर्टेड डॉल सेट है हमारे पास। लोकल अभी हमारे पास कुछ भी नहीं रखते हैं हम, तो ये बेकार चीज़ें हैं लोकल। ये है इम्पोर्टेड है, टॉय टावर है। अभी बच्चों का नया गेम आया है, बिल्कुल पूरे ब्लॉक से रेडी होगा। फिर आप ऊपर से बॉल इसको स्टार्ट करेंगे तो वो घूमते 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 अपने जगह पे आएगी। ये ब्लॉक्स हैं, ट्रेन सेट है, सेल वाली ट्रेन है ये। ये मल्टीमीडिया बच्चों के रेटल्स होते हैं इसके अंदर, ऊपर होल्ड करते हैं इसमें बच्चों घर पलंग पे, बेड पे, जहाँ लगाना चाहें वो लगाते हैं, ऊपर रेटल सेट होता है। इस तरीके से इधर आ जाएंगे, सारी गाड़ियों कलेक्शन है ये। इसमें इम्पोर्टेड कार्स हैं, सारी मेटल की होती हैं ये। किसी के डोर ओपन होते हैं, किसी के बोनेट ओपन होता है, सारी मेटल्स कार्स हैं। फिर ये, फिर इसमें साइजेस बड़े, ये बड़े साइज़ में सारी मेटल कार्स। चैन की कीमतें क्या होती है, रेंज क्या होती है प्राइस? ये 300 से स्टार्ट हैं, 1600 तक होती हैं। ये ऑप्शंस के साथ होती हैं, ऑप्शंस अगर ज़्यादा होंगे। ऑप्शंस बोनेट खुलते हैं, स्टार्ट होती है, दरवाजे खुलते हैं, लाइटें जलती हैं, उस हिसाब से होती हैं सारी चीज़ें। आगे ये बच्ची का किचन सेट है, जैसे कि ये अभी नया किचन सेट आया, इसमें पानी रिसाइकल होता है, इलेक्ट्रिक का सेल डलता है, पानी रिसाइकल होता है, अभी बिल्कुल न्यू आइटम है। ये प्ले डो है लड़कियों की, उससे वो 10 चीज़ें बनाती हैं, बर्गर हो गया, आइसक्रीम हो गई, केक हो गया, वो सब इससे बनाती हैं। मशीन भी इसके साथ है, वैसे सादी डो भी आती है, ऊपर है सादी डो है। ये नई सेंट आई है अभी, ये प्ले डो जैसी है, बिल्कुल सेंट है, जैसे समंदर पे जो रेत होती है उस तरह की होती है। ये प्ले डो है, ये सिंपल है, इसके साथ कोई मशीन्स नहीं है, मशीन सेट सिर्फ ये है। अच्छा, एवेंजर्स के करेक्टर्स लोग बहुत पसंद करते हैं बच्चे। हाँ, सुपरमैन को पसंद किया जाता है, स्पाइडरमैन को पसंद किया जाता है। तो ये नया सेट आया, ये नया सेट आया अभी, तीन साल से बड़े बच्चे हुए, तीन साल से बड़ा, थ्री प्लस, तीन साल के बच्चे भी खेल सकते हैं। ये जो घास है फाइटर जेट, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये आवाज़ भी निकालते हैं और स्ट्रेचेबल है, पीछे करें तो आगे जाते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है, जैसे एक साल के बच्चा, उसके लिए होते हैं ये रिंग्स होते हैं, उसको सिखाया जाता है। फिर ये लीगो है, छः साल से बड़े बच्चों का, क्योंकि आठ साल के बच्चों का कोई टॉय नहीं होता है। आठ साल के बच्चे की लिमिट फाइनल होती है, उनके लिए कोई टॉय नहीं होता, इनके लिए फिर गेम्स शुरू होते हैं। जैसे ये लीगो है, छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये पूरा ऐसे तरह जाएगा। इसके अंदर एक मशीन आती है जो वर्क करती है, फिर इसको फिर ये बच्चों के स्केट्स हैं, बच्चों के स्केट्स हैं। फिर ये स्टॉलर कार आती है जो एक साल से लेके पाँच साल तक का बच्चा यूज़ कर सकता है, प्योर प्लास्टिक में है। उसके बाद ये एक साल से लेके तीन साल तक का बच्चा यूज़ कर सकता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो ये आप पीछे की सीट और स्टैंड को निकाल देंगे तो फिर ये पुश कार बन जाएगी। इसी तरह का सेम है, ये भी सेम साइकिल है। ये मोटरसाइकिल हैवी बाइक्स खड़ी, ये हैवी बाइक्स हैं, ये सारी रिचार्जेबल है, बैटरी वाली, बैटरी वाली जी। इनकी रेंज शुरू होती है 8,500 रुपये से स्टार्ट है। अच्छी वाली बाइक, अच्छी क्वालिटी, प्लास्टिक अच्छी है, बैटरी टाइमिंग अच्छा है, म्यूज़िक है, लाइट है, सब कुछ है इसके अंदर। जी जी, इसमें हॉर्न सिस्टम है इसी, इसके बराबर। अब ये वो, अब देखें ना, ये सादी है, इसमें ऑप्शन है, USB भी लग सकता है, ऑक्स भी लग सकती है और मेमोरी कार्ड भी लग सकता है इसमें। बच्चा आप किसी को नाच सुना दें, कुरान की कोई तलावत लगा दें, कुछ भी लगा दें, बच्चा सुनता रहेगा, पोएम्स हो गई, बच्चा सुनता रहेगा, चलाता रहेगा। फिर ये बड़े स्केट्स आते हैं,
पाँच साल से लेके सात साल आठ साल तक का बच्चा यूज कर सकता है। इसमें छोटा और बड़ा करने का ऑप्शन दोनों है। ये बैटरी की बड़ी बाइक है, इसमें ऑप्शन अलग है, वो पैरों से चलती है, ये हाथ से रेस देने से चलती है जैसे बाइक्स चलती हैं। ऑप्शन है, नीचे इसके ब्रेक है, रिचार्जेबल है, ये रिचार्जेबल है, ये भी रिचार्जेबल, सारी बैटरी वाली कार्स हैं सब रिचार्जेबल हैं। जी जी बिल्कुल। ये पुश कार है, इसको बटन से प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी USB सिस्टम है, इसकी डबल बैटरी होती है, डबल मोटर होती है, किसी में सिंगल बैटरी सिंगल मोटर होती है, इसमें डबल बैटरी है डबल मोटर है। क्या कीमत है ये? 20+ है, ये है 20+। इसके नीचे आपका स्मोक भी निकलता है पीछे, बच्चों को एक अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है कि इसमें स्मोक निकलता है पीछे। ऑडी है ये, इसी तरीके से ये जीप है, ये ट्रांसफॉर्मर जीप है, ये ऑडी है, BMW है, जो बच्चों को करेक्ट पसंद होते हैं गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ। ये पोश है, सब रिचार्जेबल है, इम्पोर्टेड है, बाहर की हैं सब। किसी में बैटरी डबल मोटर है, किसी में सिंगल मोटर है, किसी रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर बच्चा छोटा है, एक साल तक का है, तो नहीं चला सकता, आपने बिठा के बेल्ट बांध देना है, फिर रिमोट से उनके पेरेंट्स चलाएंगे। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इतना शऊर आ जाए कि चला सकता है, तो वो खुद ऑपरेट करेगा इस गाड़ी को। लोग बैटरी का शिकवा करते हैं कि बैटरी खराब हो जाए। बैटरी देखें 6 महीने बाद तो करनी पड़ती है। देखें तरीका बैटरी का ये है कि आपने गाड़ी को, कुछ लोग होते हैं कि पूरी रात लगा कर छोड़ दिया, भूल गए, ऐसा नहीं होता। आप चीज़ खरीदी है उसका एहतियात करेंगे तो चलेगी। 2 घंटे अगर आपको दुकानदार बोला है 2 घंटे चार्ज करें, तो बस 2 ही घंटे चार्ज करें, उसको 3रे घंटे की तरफ ना लेके जाएं। लोग कुछ होते हैं कि लगा के छोड़ दिया, सुबह निकाल लेंगे, बच्चा खेल लेगा, चार्ज देगा, तो उस तरह बैटरी ख़राब हो जाती है। इस वजह से मुश्किलात आती हैं गाड़ी में बैटरी। अगर आप ख्याल रखें 2 घंटे चार्ज करें, 1 घंटा बस बैटरी आवर्स 1 घंटा होता है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते आप, 1 घंटा एंड है बस। ये रिमोट कंट्रोल कार्स हैं, कुछ सेल वाली ट्रक्स हैं, मुख्तलिफ ये एक्टिविटी वॉकर है छोटे बच्चों का, जो वॉकर के बाद निकलते हैं। वॉकर ये होता है, 5 महीने से लेके साल तक का बच्चा इसमें बैठता है, वॉकर पर चलना सीखता है। जब वो चलना सीख जाता है, फिर एक्टिविटी वॉकर आता है, ये एक्टिविटी वॉकर है। इसी तरीके से फिर आप इधर आ जाएंगे, साइकिल स्टार्ट होती है, ट्राई साइकिल है ये। ये चाइना की साइकिल है, इम्पोर्टेड। इनकी स्टार्टिंग प्राइस 3,500 रुपये से स्टार्ट होती हैं, 5,000-6,000 तक जाती हैं। इसके बाद ये स्लाइड है, बेबी स्लाइड, इसमें 3 स्टेप आते हैं, 2 स्टेप 3 स्टेप और 4 स्टेप। 2 स्टेप का भैया 5 साल तक का बच्चा यूज़ कर सकता है, फिर 3 स्टेप 8 साल तक का बच्चा यूज़ कर सकता है, और 4 स्टेप फिर 10 साल 9 साल तक का बच्चा यूज़ कर सकता है। ये स्कूटी हैं, चाइना की स्कूटी हैं, ये ब्राम है बच्चों का। स्कूटी 2200 रुपये से स्टार्ट है हमारे पास, ऊपर फिर 4,500 रुपये तक की स्कूटी है, 8,500 रुपये की स्कूटी है, 9,500 रुपये की स्कूटी है, फिर वो फाइबर में चली जाती हैं, ये आयरन की हैं वो फाइबर में चली जाती हैं, वॉकर की रेंज है सारी। फिर ये साइकिल आती हैं जी, 3 साल से स्टार्ट होती है साइकिल, 12 नंबर होती है साइकिल। 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे के लिए 12 नंबर, फिर 6 से लेके 9 साल तक के लिए 16 नंबर, फिर 9 से लेके 12 साल 13 साल 14 साल तक के लिए 20 नंबर की साइकिल इस्तेमाल होती है। पाकिस्तानी और चाइना की साइकिलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इंपोर्टेड क्वालिटी में। ये ऑटो कार है जो आप रेड और येलो वाली देख रहे हैं, ये ऑटो कार है, ये खुद चलती है हैंडल को मूव करने से, बाकी इसी के नीचे लगी हुई ये पुश कार है, पाँवों से चलती है। क्वालिटीज़ हैं ये सारी इम्पोर्टेड हैं, जैसे कि क्या प्राइस रेंज है? ये स्टार्टिंग है 1800 रुपये से स्टार्ट है, फिर 3,000+ है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये चाइना का वॉकर है, सबसे अच्छा वॉकर है चाइना का आता है, इससे भी अच्छे अच्छे वॉकर हैं, लेकिन ये चाइना का बेहतरीन वॉकर है। क्या प्राइस है इसकी? प्राइस आपको 3,000+ है। छोटी बच्चियों की साइकिल है, बारबी लड़कियाँ पसंद करती हैं, बारबी कलर हैं, तो उसमें शॉकिंग पिंक होता है, बेबी पिंक होता है, लाइट पिंक होता है, पर्पल कलर होता है, ब्लू कलर होता है। बच्चों की स्टडी टेबल जाती हैं, स्टडी टेबल 3,500 रुपये से शुरू हैं। मेरे पास ये स्टडी टेबल है, ये हैवी वेट है, प्योर वुड है, और बहुत भारी टेबल है ये ट्राई साइकिल है, सबसे बड़ी है चाइना की, इससे बड़ी ट्राई साइकिल आती नहीं है
मैक्सिमम साइज़ है, मोर्गन की है ट्राई साइकिल। उसके बाद ये साइकिल है जिसके तीनों पहियों में LED लाइट्स है, सीट के नीचे लाइट है, हेड लाइट है, फिर म्यूज़िक सिस्टम है सीट के नीचे और उसमें म्यूज़िक सिस्टम है। बच्चों की गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और बड़ी इंपोर्टेड और बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें ऑप्शंस इतने हैं कि वो महंगी होना उनका समझ आता है। जैसे इस गाड़ी को ऑन करने के बाद यहाँ से इसका अगर स्टार्ट बटन दबाएँ तो गाड़ी की लाइटें आगे चलती हैं, गाड़ी स्टार्ट हुई है, आवाज़ कर रही है गाड़ी, तो इस तरह के ऑप्शंस इसमें हैं, तो इसी वजह से ये गाड़ियाँ थोड़ी महंगी हैं। अब ये एक बच्चों की गाड़ी है, ऑडी गाड़ी, ये भी रिचार्जेबल गाड़ी और इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। हम इसका बटन दबाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये गाड़ी स्टार्ट होती है और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप ऑक्स लगा सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम पूरा इसमें मौजूद है, गाड़ी की जो मीटर की लाइटें वो ऑन हैं, तो इस तरह ये गाड़ी चलती है और खूबसूरत गाड़ी है। ये गाड़ी एक और है, इसके अंदर चाबी सिस्टम दिया हुआ है, चाबी लगी हुई है, उसके बाद ये आपको पुश स्टार्ट की तरह दबाना पड़ता है तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक गियर लीवर भी दिया हुआ है, इसके अलावा म्यूज़िक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है पूरा, तो इस तरह की खूबसूरत चीज़ें। लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं क्योंकि ये सारी इंपोर्टेड गाड़ी है और इनमें ऑप्शन बहुत हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है। ये 20,000 से शुरू होकर इनकी कीमतें आगे तक जा रही हैं, तो इसी वजह से ये गाड़ियाँ थोड़ी सी महंगी मिलती हैं। यहाँ पर एक और ये मोटरसाइकिल स्टाइल की गाड़ी है, ये शायद चार्ज नहीं है इस वजह से कि कोई बटन दबाने से कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा। बहरहाल इसका रिमोट यहाँ पे मौजूद है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हमने आपको इस दुकान पे दिखाई हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी देखने को मिले हमारे चैनल से।